मुरादाबाद के थाना नागफनी में पुलिस को डबल मर्डर केस में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक सप्ताह पूर्व नागफनी क्षेत्र में एक डबल मर्डर की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी थी और अपराधियों की तलाश भी थी। पुलिस को जांच के दौरान अपराधियों के खिलाफ कई ठोस सबूत हाथ लगे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मौके से हत्या में प्रयुक्त होने वाले चाकू को भी बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। वारदात हुई थी जिसमें पिता और पुत्री का मर्डर किया गया था। जब पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पहले से ही लग रहा था कि पड़ोस का कोई हो सकता, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कोई बाहर जा पाए। छत से ही लोग आए थे और इसमें जो फॉरेंसिक का इस्तेमाल किया गया, जहां तक ब्लड स्ट्रेन थे वहां तक टीम गई। बाद में इसमें सर्विलांस और अन्य माध्यम से एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, उसको पकड़ा गया, जिसका नाम लेने से पूछताछ की गई। तो उसने एक और व्यक्ति का नाम बताया, जब उसको पकड़ा गया तो उसने सारी घटना बताई। और जो घटना में ज्वेलरी इन्होंने लिया था, जहाँ जाके बेचा था वो दुकान, सीसीटीवी फुटेज, जैसे जैसे लोग गए थे, साथ में जो मोबाइल ये वहाँ से निकाल के ले गए थे, रामगंगा नदी में फेंका था, मोबाइल बरामद हुआ। इन्होंने नए कपड़े खरीदे थे, वो कपड़े बरामद हुए। और जो इनके पास वेपन था, वो वेपन भी पुलिस ने रिकवर किया, जिस पर ब्लड लगा हुआ था। तो ये बेसिकली पिता को मारना चाहते थे। लॉकडाउन जब समाप्त हो रहा था उस समय मुर्गे की बिक्री को लेकर के इनका विवाद हुआ था, जिसमें लड़ाई हो गई थी। और एक छोटा सा ईगो जो इशू होता है, उस चक्कर में चूँकि ये नशे के आदि भी हैं, तो ये सारी चीज़ें बनाते हुए इन्होंने घटना को अंजाम दिया। बीच में भी इन्होंने एक बार प्लानिंग की थी और वहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन इन्होंने घटना को नहीं अंजाम दिया था। इस दिन इनको मुफीद लगा कि रात का समय है और त्यौहार का, सारे लोग फिर सुबह लेट उठेंगे, इस चक्कर में इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें पुलिस की सभी टीमों ने बहुत अच्छे से काम किया और घटना का अंजाम दिया गया। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।